नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेश और आप देख रहे हैं एंजल टेक एनालिसिस। तो बात करेंगे आज ऐसे स्टॉक्स के बारे में जो स्टॉक्स अभी बिल्कुल ब्रेकआउट लेवल पर खड़े हैं, जो अभी ब्रेकआउट देने वाले हैं, या फिर वो अभी असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न में है, या फिर सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न में है, या वो फिर अभी किसी रेंज में काम कर रहे हैं। मीन्स मतलब ऐसे स्टॉक जो मतलब आने वाले टाइम में, या 1-2 दिन में, या 3-4 दिनों में, या नेक्स्ट वीक में मतलब ब्रेकआउट देंगे, और ब्रेकआउट देने के बाद बहुत जबरदस्त मूव देने वाले हैं। मैं आप लोगों को ऐसे 10 स्टॉक के बारे में बताने जा रहा हूँ। उससे पहले आपने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो इस वॉच लिस्ट में मेरे पास सबसे पहला स्टॉक है, वो स्टॉक नाम है अमर राजा बैटरी। तो अमर राजा बैटरी देखिए, सबसे पहले तो मैंने अपने इस लेवल पर दिया था, जो ये लेवल था हमारा यहाँ पर 790 का लेवल। 790 के लेवल पर मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर, देखिए मैं हर वीकेंड पर अपने टेलीग्राम चैनल में जो है चार्ट पोस्ट करता हूँ, जो स्टॉक्स ब्रेकआउट देने वाले हैं, या जो स्टॉक्स जो है मतलब ब्रेकआउट दे चुके हैं, या फिर कहाँ तक का टारगेट है, कहाँ पर स्टॉप लॉस रखना है, वो सारी चीजें मैं अपने टेलीग्राम चैनल में वीकेंड पे पोस्ट करते रहता हूँ। और इंट्राडे में वहां पर बैंक निफ्टी ऑप्शन की वहां पर कॉल आप लोगों को मिलती है, और वहां पर मैं कंटिन्यू चार्ट इंट्राडे के पोस्ट करते रहता हूँ। सो अगर आप लोगों ने हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन नहीं किया है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप वहां से जाके हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। अदरवाइज मैंने लोगों में लगा दिया है, हमारे चैनल का नाम है एंजल टेक एनालिसिस, आप जाके सर्च बार में सर्च करेंगे आप लोगों को चैनल मिल जाएगा। हमारा देखिए पहला जो है स्टॉक है वो है अमर राजा बैटरी। तो अमर राजा बैटरी अगर हम यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो 790 के ऊपर का हमारा जो 790 क्या देखिए, ये जो हाई लगाया है इसने, 965 का लगाया है। तो मीन्स हम यहाँ कह सकते हैं अब हम 200 पॉइंट्स प्रॉफिट के नियर अबाउट हैं। अब इसके बाद देखिए, अगर दोबारा किसी ने अगर इसमें एंट्री नहीं ली है, दोबारा अगर एंट्री लेना चाहता है, तो यहाँ पर देखिए ब्रेकआउट यहाँ पर 965 का लेवल है, जो यहाँ पर रेजिस्टेंस लेवल है इसका बना हुआ है। 965 का लेवल एक बार ये निकालेगा तो हम यहाँ पर 1000, 1050 और 1100 का टारगेट यहाँ पर बहुत जल्दी आते हुए देखेंगे। हमारा ये टारगेट मे बी ब्रेकआउट होने के 10 दिन के अंदर का ये टारगेट है, कि 10 दिन के अंदर हमको ये टारगेट मिल जाए। अगर देखिए आप यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो आपको एक असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न दिखाई दे रहा होगा, नीचे से देखिए एक ट्रेंड लाइन इसके लिए सपोर्ट का काम कर रही है, और ऊपर 965 का इसके लिए एक हर्डल बना हुआ है। तो फाइनली देखिए ये यहां से देखिए, ऐसा नहीं है कि मतलब ये ब्रेकआउट करके ऊपर ही जा सकता है, मे बी ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर सकता है। अगर ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक करेगा तो हम इसको ऊपर की साइड नहीं देखेंगे, फिर हम इसको सेल के लिए कंसिडर करेंगे। अदरवाइज अभी हम जो है इसमें बुलिश है, 965 का ऊपर लेवल जैसे ही क्लोजिंग आएगी हम यहां पर जो है एंट्री कर लेंगे इसमें। नेक्स्ट देखिए मैं आप लोगों को स्टॉक बताने वाला हूं, बजाज ऑटो। तो बजाज ऑटो यहां पर देखिए, सबसे पहले तो मैंने आप लोगों को इस लेवल पर एक दिया हुआ था, ये देखिए ये लेवल था यहां पर एक, देखिए यहां पर कंटिन्यू की रेंज में काम कर रहा था। आप लोगों को अगर रेंज के बारे में नहीं पता है कि रेंज किसे कहते हैं, तो मैं आप लोगों को बता देता हूं कि जो भी स्टॉक कभी भी मतलब एक रेंज में काम करे, मतलब ऊपर मान लीजिए 100 रुपए के, 100 रुपए का लेवल है और नीचे 50 का लेवल है, तो 50 को टच करे, फिर 100 को टच करे, फिर 50 को टच करे, 100 को टच करे, मीन्स मतलब ना तो 100 के ऊपर जाए और ना ही 50 के नीचे निकले, उसको हम कहते हैं रेंज। सो ये देखिए यहां पर एक रेंज में काम कर रहा था, और यहां पर मैंने जो है 3150 रुपए के ऊपर अपने टेलीग्राम चैनल में मैंने बजाज ऑटो को दिया था, 3150 रुपए के ऊपर आप जो है यहां पर बाइंग कर सकते हैं। तो फाइनली यहां पर देखिए जो यहां पर हाई लगा है वो 3385 का लगा है। अब देखिए ऊपर जाने के बाद यहां पर फिर देखिए एक रेंज में काम करने लग गया। अब यहां पर देखिए ये रेंज, देखिए हम कब तक यहां पर बुलिश है, जब तक ये ट्रेंड लाइन, देखिए मैं ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके दिखाऊंगा आपको, जब तक हम इस ट्रेंड लाइन के ऊपर है तब तक हम यहां पर बुलिश है। सब देखिए अभी हम यहां पर बेरिश नहीं होने वाले हैं, जब ये ट्रेंड लाइन के नीचे क्लोजिंग देगा तब हम इसमें बेरिश होंगे, अदरवाइज अभी हम इसको ब्रेकआउट के लिए ऊपर की तरफ ही देख रहे हैं। सो फाइनली देखिए यहां पर एक बार 3385 रुपए की ऊपर कोई कैंडल क्लोज हो जाए, 3385 के ऊपर एक कोई क्लोजिंग आ जाए, तो उस कैंडल के ऊपर हम जो है यहां पर बाइंग करने वाले हैं। अदरवाइज अगर ट्रेंड लाइन के नीचे क्लोज कर देगा तो हम यहां पर बाइंग करने वाले नहीं है। सो देखिए लॉजिक को समझिए, चीजों को ध्यान देकर अगर आप ट्रेड करेंगे तो यहां से पैसा बनाना बहुत आसान है। अब देखिए यहां पर हम बात करेंगे भारत फोर्ज की, ये हमारा तीसरा स्टॉक है भारत फोर्ज। तो देखिए हमने यहां पर जो ट्रेंड लाइन ड्रॉ की हुई है, कंटिन्यू देखिए हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, तो यहां पर देखिए ऊपर की तरफ कंटिन्यू चलते चला जा रहा है। अब यहां पर भी देखिए, यहां पर अगर हम ध्यान से देखेंगे तो असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न के रूप में ही अब यहां पर रुका हुआ है। देखिए कभी भी अप ट्रेंड पे हम क्या देखते हैं, अप ट्रेंड पे हम हमेशा असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न का ब्रेकआउट देखते हैं, और डाउन ट्रेंड में हम डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न का ब्रेकआउट देखते हैं, ब्रेकडाउन देखते हैं, और हम देखिए फ्लैट मार्केट में हम सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न का जो है ब्रेकआउट देखते हैं। सो यहां पर देखिए ये अप ट्रेंड है एक, और अप ट्रेंड में देखिए यहां पर असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न बना हुआ है, और इसका जो हर्डल है वो 570 का है। भारत फोर्स एक बार 570 के ऊपर की क्लोजिंग आ जाए तो हम जो है इसमें बाइंग की एंट्री बनाने वाले हैं। देखिए इससे पहले मैंने जो अभी वीडियो डाली हुई है तो वो मैंने ब्रेकआउट स्टॉक्स की मैंने डाली हुई है, जो स्टॉक्स ब्रेकआउट दे चुके हैं, मतलब अभी जो मैं आपको ये जो स्टॉक्स बता रहा हूं, अभी जो 10 स्टॉक आपको बताऊंगा,
तो ये स्टॉक अभी ब्रेकआउट देने वाले हैं, मींस मतलब हम यहां पर अभी तैयारी कर सकते हैं अपनी अपनी एंट्री के लिए, हम यहां पर प्रिपेयर कर सकते हैं, फिर तैयारी अपनी कंप्लीट कर सकते हैं, कहां पर एंट्री लेनी है, कहां स्टॉप लॉस रखना है, उन चीजों को हम देख सकते हैं। बट जो मतलब जो इससे पहले वीडियो पोस्ट की है वो ब्रेकआउट स्टॉक्स हैं, वो ब्रेकआउट दे चुके हैं, अब वो रीटेस्ट के बाद हम उसमें एंट्री लेने के लिए सोच रहे हैं। सो यहां पर 970 रुपए के ऊपर आप यहां पर जो है एंट्री ले सकते हैं, 970 के ऊपर की हमको क्लोजिंग चाहिए। नेक्स्ट स्टॉक है हमारा कैडिला। तो कैडिला देखिए सेम देखिए उसी तरह से काम कर रहा है जैसे मतलब पीछे बजाज ऑटो में मैंने आपको दिखाया था। यहां देखिए एक रेंज, यहां पर भी एक रेंज थी, नीचे की जो रेंज थी वो 410 रुपए थी और जो ऊपर की रेंज थी वो 450 रुपए थी। तो फाइनली ये रेंज ब्रेकआउट हुआ और यहां पर 40 रुपए की रेंज थी, तो हमारा यहां पर 40 रुपए टारगेट जो है 450 से लेकर के यहाँ 490 के आसपास हमारा ये टारगेट जो है ऑलमोस्ट अचीव हो चुका है। तो यहां से देखिए अब फिर यहां पर हमको एक रेंज दिखाई दे रही है और देखिए मैं यहां पर आपको ऐसे नीचे इस तरह से एक ड्रॉ करके दिखाऊंगा सपोर्ट। तो देखिए अब ऊपर की जो रेंज बनी हुई है वो 480 और नीचे की जो रेंज बनी है वो 460, मींस अभी यहां पर जब भी ब्रेकआउट होगा तो हम पहला टारगेट हमारा 20 रुपए होगा और दूसरा टारगेट हमारा 40 रुपए होगा। देखिए कभी भी अगर रेंज ब्रेक होता है, अगर आप इसके बारे में जानते हैं, नहीं जानते हैं तो मैं आपको बता देता हूं कि अगर देखिए कभी भी रेंज ब्रेकआउट होता है तो हमारा टारगेट उसका पहले वन टाइम होता है फिर टू टाइम होता है। मींस यहां पर रेंज अगर 20 पॉइंट की रेंज है, 20 पॉइंट के अंदर अगर ये कैडिला काम कर रहा है तो अब यहां पर हमारा पहला टारगेट 20 पॉइंट होगा और दूसरा टारगेट हमारा यहां पर 40 पॉइंट होगा। सो इस तरह से हम जो है देखिए इसके कई टेक्निक होते हैं यहां पर टारगेट निकालने के लिए, वो सारी चीजें मैं अपने क्लास में बताता हूँ, स्टूडेंट्स वगैरह को सारी चीजें मैं वहां पर सिखाता हूँ, अपनी कुछ लॉजिक अपनी थ्योरी अपनी सारी चीजें वहां पर मैं उन लोग के सामने ओपन करके रख देता हूँ। सो उन लोग को मतलब बहुत इजिली वहां पर जो है क्लासें उनकी चल रही हैं। चलिए मैं नेक्स्ट स्टॉक की यहां पर बात करने वाला हूं। नेक्स्ट स्टॉक है हमारा एचडीएफसी बैंक। एचडीएफसी बैंक को देखिए मैं कंटिन्यू वीडियो बना रहा हूं, जो इंट्राडे की वीडियो बनाता हूं ऑप्शन ट्रेडर्स के लिए, वहां पर अगर ऑप्शन ट्रेडर्स आप यहां पर कंटिन्यू देख रहे होंगे तो देखिए यहां पर भी एक रेंज देखिए यहां पर बन चुकी है। मोस्टली स्टॉक्स में जो है मार्केट जो है रेंज में ही काम कर रही है इस टाइम, और जो है रेंज ब्रेकआउट होने के बाद देखिए बहुत अच्छी मूव होती है। जैसा कि मैं आपको यहां पर दिखाऊं, देखिए यहां पर भी एक रेंज बन रही थी और रेंज ब्रेकआउट होने के बाद 1 2 3 4 कैंडल ने हमारा टारगेट अचीव कर दिया, मीन्स हमने 4 दिन में अपना टारगेट यहां पर अचीव कर लिया। देखिए हम चाहे यहां पर बैठे रहे, हम 10 दिन से देख रहे हैं, 20 दिन से देख रहे हैं, रेंज बन रही है, ठीक है, बट अगर हमने एक्शन ही नहीं लिया, रेंज ब्रेकआउट होने के बाद हमने ट्रेड ही नहीं किया तो हमारा 10 दिन 20 दिन देखना वो बेकार है। सो यहां पर देखिए जैसे हम यहां पर अभी कंटिन्यू डेली वीडियो बनाते हैं और डेली यहां पर देखते हैं कि रेंज में काम कर रहा है, और जैसे ये रेंज ब्रेक होगा तो 1450 ऊपर की रेंज है और नीचे की रेंज 1350 है, तो यहां पर हमको देखिए क्लियर कट 100 पॉइंट तो हमारे रखे हुए हैं, हम ये 100 पॉइंट हमारे कहीं जाने वाले नहीं है। मान लीजिए अगर यहां पर 1450 के ऊपर जो है ब्रेकआउट होता है और कैंडल 1460 पे क्लोज हो जाती है और 1460 के ऊपर हम एंट्री लेते हैं तो भी हमको 90 पॉइंट तो हम बहुत इजिली यहां पर बुक करने वाले हैं। सो इस तरह से देखिए ट्रेडिंग की जाती है, रिस्क मैनेजमेंट जरूर फॉलो करिए अपनी ट्रेडिंग में। नेक्स्ट स्टॉक है हमारा हिंडाल्को। तो हिंडाल्को भी देखिए अब यहां पर आप ध्यान से देखेंगे कि यहां हमको एक कंटिन्यू एक जो है अप ट्रेंड मिला, ठीक है, और अप ट्रेंड के बाद अभी यहां पर अगर फोकस करेंगे या तो हमको यहां पर एक देखिए फ्लैग पैटर्न मिल रहा है। ये देखिए ये ऊपर ये फ्लैग हो गया और नीचे ये जो है पोल हो गया, तो ये पोल एंड फ्लैग पैटर्न यहां पर कंप्लीट हो चुका है। अब देखिए पोल एंड फ्लैग पैटर्न में ऐसा नहीं होता कि ब्रेकआउट ऊपर की तरह ही होता है, ब्रेकडाउन नीचे की तरफ भी हो सकता है। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि अगर फ्लैग पोल एंड फ्लैग पैटर्न आपके सामने अगर बनता हुआ दिखाई दे रहा है तो आप उसमें ऊपर की तरफ ही एंट्री लेंगे। देखिए हमने यहां पर न्यूट्रल बिल्कुल रहना है, जिस तरफ मार्केट निकलेगी हमने उस तरफ हो लेना है। अगर आप इंट्रा ट्रेडर हैं तो आपको तो बिल्कुल न्यूट्रल रहना पड़ेगा, हाँ अगर आप पोजिशनल करते हैं तो आपको ट्रेंड देखकर ही चलना पड़ेगा। सो यहां पर देखिए ऊपर अगर ये ब्रेक करेगा 255 के ऊपर की क्लोजिंग देगा तो हम यहां पर बाइंग साइड के लिए जाने वाले हैं, फिलहाल अभी हम इसको नीचे के लिए फोकस नहीं कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट स्टॉक की बात करते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है हमारा जेएसडब्ल्यू स्टील। तो जेएसडब्ल्यू स्टील यहां पर अगर आप देखेंगे तो ये देखिए नीचे से एक ट्रेंड लाइन हमने ड्रॉ करके रखी हुई है और एक ट्रेंड लाइन यहां पर देखिए ऊपर से हमने ड्रॉ करके रखी हुई है। तो ये देखिए ये हायर हाई और हायर लो, ठीक है, ये हमने जो है हायर लो को पकड़ते हुए नीचे ट्रेंड लाइन ड्रॉ की है और हायर हाई को पकड़ते हुए हमने यहां पर जो टच करते हुए ऊपर ट्रेंड लाइन ड्रॉ की है। अब देखिए ये पैटर्न हम क्या कहलाएगा, ये पैटर्न कहलाता है देखिए असेंडिंग चैनल, इसको हम बोलते हैं, इसको हम टेक्निकल एनालिसिस की लैंग्वेज में असेंडिंग चैनल पैटर्न बोलते हैं। और असेंडिंग चैनल पैटर्न बनने के बाद देखिए जो सबसे अच्छी चीज यहां पर ये हो रही है कि यहां पर आपको एक डबल टॉप पैटर्न बनता हुआ दिखाई दे रहा है, और जब यहां पर डबल टॉप पैटर्न का ब्रेकआउट होगा तो हम यहां पर एक बहुत अच्छे टारगेट के लिए जाने वाले हैं। फिलहाल देखिए जो यहां पर मतलब ऊपर की रेंज हम देखें तो 350 और नीचे की देखें तो हम यहां पर 325, तो कम से कम यहां से 25 पॉइंट के टारगेट को हम यहां पर कम से कम 25 पॉइंट तो हमको यहां पर मिलने ही वाले हैं ब्रेकआउट के बाद। सो इस पर नजर बना के रखिएगा, 375 के ऊपर की क्लोजिंग आती है तो हम यहां पर जो है एंट्री बना सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा
मैक्स मैक्स फाइनेंशियल, तो मैक्स फाइनेंशियल भी अगर हम यहाँ पर देखिए ध्यान से देखेंगे तो ये ट्रेंड लाइन नीचे से ड्रॉ हमने करके रखी हुई है, और यहाँ पर देखिए हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई। और यहाँ पर देखिए अब यहाँ पर बेस्ट सिनेरियो क्या रहेगा, देखिए हायर लो तो यहाँ पर लग चुका है। अब यहाँ पर जब ये 675 रुपए के ऊपर क्लोजिंग देता है तो आप यहाँ पर क्लियर कट बाइंग के लिए जा सकते हैं, अदरवाइज जब तक ये ट्रेंड लाइन के ऊपर है तब तक हम इसको सेलिंग के लिए बिल्कुल नहीं देखेंगे। हाँ, जब ट्रेंड लाइन के नीचे 2 दिन कंटिन्यू अगर ट्रेंड लाइन के नीचे क्लोज करता है तब हम यहाँ पर जो है बेरिश होंगे, अदरवाइज अभी हम सिर्फ इसको बाइंग के लिए ही देख रहे हैं। 675 की क्लोजिंग की 675 के ऊपर की क्लोजिंग इसको 700 और 750 के टारगेट के लिए लेकर जाएगी। नेक्स्ट है हमारा माइंडट्री, तो माइंडट्री देखिए यहाँ पर काफी दिनों से मोर देन 1 to 2 मंथ से यहाँ पर जो है सस्टेन हो रहा है माइंडट्री। यहाँ पर देखिए बहुत अच्छी ब्रेकआउट हुआ था, बहुत अच्छा ब्रेकआउट होने के बाद मार्केट नीचे की तरफ आया, और नीचे की तरफ आने के बाद देखिए फाइनली देखिए ऊपर निकलने के लिए स्ट्रगल कर रहा है। और यहाँ पर देखिए जो कल की कैंडल बनी है ये कैंडल बहुत अच्छी लग रही है, और इसने जो है पिछले प्रीवियस डे के हाई को भी टच कर दिया है। टच क्या किया है, हाई जो है इसके ऊपर ही निकला था, बट जो क्लोजिंग है वो नीचे की तरफ आई है थोड़ी, तो उस हाई से नीचे की तरफ आई है। मीन्स मतलब कह सकते हैं 2 दिन की क्लोजिंग से तो ऊपर की तरफ ही इसकी क्लोजिंग है। देखिए इसकी जो पिछली क्लोजिंग थी वो 1400 सॉरी यहाँ पर जो क्लोजिंग 1468 रुपए की थी, और जो प्रीवियस डे की जो क्लोजिंग आई है वो देखिए क्लोजिंग आई है 1476 रुपए की आई है। सो यहाँ पर इसलिए हम इसमें थोड़ा सा बुलिश हैं, और इस तरह के पैटर्न जो है बहुत अच्छा ब्रेकआउट देते हैं। सो यहाँ पर 1485 के ऊपर आप यहाँ पर बाइंग का बना सकते हैं, यहाँ पर चाहे आप इंट्राडे में बाइंग करना चाहते हैं तो 1485 के ऊपर बाइंग का ट्रेड बनाकर आप 1525 रुपए के टारगेट के लिए इसको होल्ड कर सकते हैं। अदरवाइज पोजिशन अगर आप करते हैं तो 1485 के ऊपर की कैंडल क्लोज होने दीजिए, 1 डे की कैंडल उसके, या फिर 1 आवर की कैंडल भी अगर 1485 के ऊपर क्लोज होती तो उसके बाद हम यहाँ पर एंट्री लेकर हमारा यहाँ पर जो टारगेट है वो 1600 रुपए का है। नेक्स्ट है हमारा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भी यहां पर देखें हम तो एक छोटी सी रेंज बना रहा है। यहां देखिए फाइनली मैं आप टेलीग्राम चैनल में मैंने अपने यहां पर बताया था कि यहां पर एक ट्राइंगल पैटर्न यहां पर बन रहा है, असेंडिंग ट्राइंगल पैटर्न, और असेंडिंग ट्राइंगल पैटर्न मोस्टली जो है ऊपर की तरफ ही ब्रेकआउट करते हैं। सो यहां पर आप जो ऊपर के लिए देख सकते हैं, यहां पर हमारा देखिए 250 के ऊपर हमने क्लियर कट यहां पर बाइंग बनाई थी, और देखिए जो हाई लगा वो 275 का, 25 पॉइंट हमारा क्लियर कट यहां पर था कि 25 पॉइंट हमने यहां पर टारगेट बुक करना है। अब देखिए मैं आप लोगों को एक लॉजिकल चीजें बताता हूं, अभी हम देखिए जब तक हम इस ट्रेंड लाइन के ऊपर हम ट्रेड कर रहे हैं तब तक देखिए हमको डरने की कोई बात नहीं है, हम जब इस ट्रेंड लाइन के नीचे हम क्लोज होंगे तब हम यहां पर डरने डर सकते हैं या फिर हमको कोई दिक्कत हो सकती है। सो यहां पर देखिए अब यहां पर जो इसका रेंज ऊपर की है वो 275 276 की है, 276 रुपए के ऊपर अगर कैंडल क्लोज होती है, डे की कैंडल क्लोज होती है, 1 आवर की कैंडल क्लोज होती है, तो यहां पर कम से कम जो है देखिए हम यहां पर 20 पॉइंट के लिए जाने वाले हैं। सो ये 20 पॉइंट तो हमारे बिल्कुल क्लियर रखे हुए हैं 20, और इसका हम 1:2 लेकर चले तो 40, तो मतलब 20 से 40 पॉइंट के लिए हम यहां पर जा रहे हैं। फिलहाल हम इसको 300 के टारगेट के लिए देख रहे हैं। नेक्स्ट है हमारा उज्जीवन, तो उज्जीवन भी अगर हम यहां पर देखिए ध्यान से देखेंगे तो मैं आपको एक ट्रेंड लाइन ये दिखाई दे रही होगी, चार्ट को मैं बड़ा कर देता हूं तो आपको दिखाता हूं। यहां देखिए यहां से नीचे मैंने ट्रेंड लाइन ड्रॉ की हुई है, और ये जो पीछे सस्टेन जो कर रहा है ये मार्च के बाद जो है ये हाई लगा हुआ है, मार्च के बाद से ये जो देखिए मार्च में जो इसका प्राइस आ गया था वो 130 के आसपास आ गया था, तो ये मार्च के बाद का ये सबसे बड़ा हाई लगा हुआ है, सबसे ऊपर का हाई लगा हुआ है 293 300। अब हम देखिए हम इसको एक्सपेक्ट कर रहे हैं 300 के ऊपर की क्लोजिंग, अब जब तक 300 के ऊपर की क्लोजिंग नहीं आएगी तब तक अभी देखिए इसमें एंट्री बनाना नहीं है। एंट्री ये देखिए अगर आप बना लेते हैं बीच में तो आप यहां पर ट्रैप हो सकते हैं। सो देखिए ब्रेकआउट के बाद ट्रेड करिए, वहां पर कम से कम आपको एक वॉल्यूम भी बहुत अच्छा मिला होना चाहिए, वहां पर कुछ कंफर्मेशन होनी चाहिए, कुछ RSI की कंफर्मेशन हो जाए, या मतलब आप जिस चीज का भी फॉलो करते हैं तो कम से कम यहां पर मल्टी कंफर्मेशन के साथ ट्रेड करिए, मल्टी विदाउट मल्टी कंफर्मेशन ट्रेड मत करिए। अगर आपको देखिए अगर आप इंडिकेटर के बेस पर ट्रेड कर रहे हैं, 4 या 5 इंडिकेटर आपने लगा के रखा है, तब तो यहां पर 100% मार्केट को पैसा देने वाले हैं, मार्केट से पैसा कभी लेने वाले नहीं है। सो देखिए अपने चार्ट में 1 से 2 इंडिकेटर लगाइए, इससे ज्यादा इंडिकेटर मत लगाइए, प्राइस एक्शन को समझिए, प्राइस एक्शन को समझ के ट्रेड करिए, टेक्निकल एनालिसिस समझिए। देखिए टेक्निकल एनालिसिस पर ही सारी मार्केट डिपेंड है, जो हम इंट्राडे ट्रेड रहे हैं, जो हम ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं, जो हम फ्यूचर ट्रेडिंग करते हैं, ज्यादातर लोग जो है हम टेक्निकल एनालिसिस को ही फॉलो करते हैं, इसके बाद हम अपने ट्रेड को कंफर्म करने के लिए हम डाटा एनालिसिस को भी फॉलो करते हैं। देखिए मैं एक ऑप्शन ट्रेडर हूं, और ऑप्शन ट्रेडर देखिए कभी भी एक कंफर्मेशन पे कभी ट्रेड नहीं लेगा, बिकॉज वहां पर जो है प्रीमियम डीके होने में बहुत टाइम नहीं लगता है, क्योंकि मैं कभी ऑप्शन बाइंग भी करता हूं और कभी ऑप्शन सेलिंग भी करता हूं। सो देखिए जो मोस्टली एक्सपायरी डे वाले दिन हम ऑप्शन सेलिंग करते हैं, और मोस्टली डे हम जो है
4 दिन हम ऑप्शन बाइंग करते हैं। सो देखिए, ऑप्शन बाइंग कहां पर की जाती है? ऑप्शन बाइंग की जाती है जहां पर एक मोमेंटम स्टार्ट होने वाली हो, जहां पर एक देखिए कोई भी लेवल ब्रेक होने वाला हो, चाहे वो ब्रेकआउट होने वाला हो, चाहे वो ब्रेक डाउन होने वाला हो। चलिए, ये सब चीजें तो चलिए ऑप्शन की चलिए बाद में हम चर्चा करेंगे। सो देखिए, आप टेलीग्राम चैनल अगर ज्वाइन नहीं किए तो टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिए। देखिए, एक बार ज्वाइन जरूर करिए, अगर आपको अच्छा ना लगे तो आप जो है वहां से क्विट कर सकते हैं। आपको वहां पर देखिए बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। ये जो सारी चीजें मैं आप लोगों को यहाँ पर ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ, चीजें समझा रहा हूँ, वो सब कुछ वहां पर रेडीमेड मिलने वाला है आपको। बहुत सारे चार्ट मिलेंगे टेक्निकल एनालिसिस के साथ, और वहां पर मैं कंटिन्यू देखिए वीकेंड पर जो है मैं चार्ट पोस्ट करता हूँ। वो वाले चार्ट होते हैं जो ब्रेकआउट होने वाले हैं, जो जिसने ब्रेकआउट दे दिया है, मैं चार्ट भी अपडेट करके बताते रहता हूँ। चलिए, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं कल की वीडियो में। जय हिंद।